ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पेंट के इस भाग में हम सीखेंगे इरेजर तथा पेंसिल टूल का उपयोग, ब्रश तथा एयरब्रश टूल का उपयोग, टेक्स्ट टूल का उपयोग, मैग्नीफायर टूल और पिक कलर टूल का उपयोग। एमएस पेंट में अब जिस टूल का उपयोग करना हम सीखने जा रहे हैं वो है इरेजर। इरेजर का प्रयोग हम किसी भी लाइन को या ड्राइंग को मिटाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ किया है, मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसके अंदर आपने कोई लाइन खींची। अब आपकी ये लाइन आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है और आपके इस रेक्टेंगल से बाहर आ गई है, तो इसे आप इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं। इसके लिए आप इरेजर चूज़ करें। यहाँ नीचे आप देखेंगे कि अलग अलग साइज़ के इरेजर हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इसे यहाँ ले जाकर माउस पर लेफ्ट बटन को आप क्लिक करके रखें और उसे दबाते हुए ही इसे जहाँ तक आपको मिटाना है वहाँ तक खिसकाते जाएं और देखिए इस तरह से ये आपकी लाइन मिट गई। आइए अब हम सीखते हैं पेंसिल टूल का उपयोग। इस टूल का उपयोग आप अपने मन से फ्री हैंड अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आप अपना हाथ चलाएंगे उसी उसी तरह से ये चलता जाएगा। आप अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हैं। और अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। जो कलर आप यहाँ से चूज करेंगे आपकी पेंसिल उसी कलर में चलने लगेगी। इस तरह से आइए अब सीखते हैं ब्रश का उपयोग। जैसे ही आप ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ अलग अलग साइज के ब्रश मिलेंगे। सबसे ऊपर है गोल ब्रश, उसके नीचे चौकोर ब्रश हैं और फिर चपटे ब्रशेस हैं। हर तरह के ब्रश में आपको तीन अलग अलग साइज यहाँ पर मिलेंगे। जैसा साइज आप चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल ब्रश किस तरह से काम करता है। ये देखिए ये चलता है गोल। इसकी एक खासियत है जो भी कलर आप चूज करेंगे आपका ब्रश उसी कलर में चलने लगेगा और जो साइज आप चुनेंगे उतनी ही मोटाई का ब्रश चलेगा। चौकोर ब्रश अगर आप चुनते हैं तो उसमें लाइन चौकोर आएगी। जो साइज आप चुनेंगे वो साइज आपको मिल जाएगा। यहां पर अब हम देखते हैं दो तरह के चपटे ब्रश हैं। इन दोनों का डायरेक्शन अलग है। दोनों ही ब्रश चपटे हैं पर दोनों का डायरेक्शन अलग होने से जो इंप्रेशन है वो थोड़ा अलग आएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये अगर हमने चूज किया तो ये पहले मोटा चलेगा और फिर तिरछा जहां पर होगा वहां पर पतला हो जाएगा। और अगर आपने नीचे वाला चूज किया है तो वो पहले पतला चलेगा और तिरछा होने पर मोटा होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस में यहां पहले मोटा है जबकि यहां पर पहले पतला है। आइए अब सीखते हैं एयर ब्रश का उपयोग। एयर ब्रश पर क्लिक करते ही आपको यहां पर तीन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। आप एयर ब्रश का प्रयोग तीन तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आपने चुना तो इसमें आपका जो ब्रश है वो गहरा चलेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने ब्रश को एक जगह पर रखेंगे तो वो इस तरह से कलर स्प्रे करता जाएगा और वो डार्क हो जाएंगे। आपको इसको चलाते रहना पड़ेगा। अगर आप तीसरा ऑप्शन चुनते हैं तो ये और भी कम घना हो जाएगा और आपका जो कलर है वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगा।
इस तरह से। जहां पर आपको कलर एक जगह नहीं भरना हो, स्प्रे करना हो, वहां पर आप इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं टेक्स्ट का उपयोग। यहां आप देख रहे हैं एक ड्राइंग बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं एक नल है और उससे पानी बह रहा है। और मान लीजिए यहां पर हम नीचे एक लाइन लिखना चाहते हैं, सेव वाटर। उस लाइन को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट टूल का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप टेक्स्ट पर जाएं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद जहां आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर हम वो लाइन लिखना चाहते हैं इस ड्राइंग के नीचे, तो वहां पर आप ड्रैग करके बॉक्स बना लें। और जैसे ही आपने ये बॉक्स बनाया, आप ऊपर देख रहे हैं आपके सामने फॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है, टाइम्स न्यू रोमन। मान लीजिए ये फॉन्ट हमने चूज़ किया, इसी में हमको लिखना है। जो साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ आप ले लीजिए, अगर आपको बदलना हो तो बदल भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैटर टाइप कर दें। यहाँ हम लिखना चाहते हैं सेव वाटर। अब आप लिखने के बाद बाहर क्लिक कर दें और ये आपका टेक्स्ट जो है वो आपकी ड्राइंग में ऐड हो गया है। आइए अब हम सीखते हैं मैग्नीफायर टूल का प्रयोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने एक ड्राइंग बनाई है। अब ऐसा अगर कोई काम हो जहाँ पर आपको बारीक काम करना हो, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस ड्राइंग में हमने आँख और मुँह बना रखा है, पर अब इसमें आप अगर आईब्रो बनाना चाहते हैं तो इतनी से स्पेस में वो बना पाना मुश्किल होगा। उसके लिए आप इसको यहाँ पर मैग्नीफायर को ले जा करके क्लिक कर दें। अब ये आपके सामने बड़ा होकर आ गया है और अब आपके लिए इस पे काम करना आसान है। यहाँ पर अब आप उसकी आंखों के ऊपर आराम से आईब्रोज बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इनफ स्पेस आपके सामने आ गया है। वापस आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपकी ड्राइंग आ गई, जिसमें अदरवाइज आपके लिए आईब्रो बनाना मुश्किल था, पर आप इसको मैग्नीफाई करके आराम से देख सकते हैं बड़ा करके, और जो भी बारीक काम करना हो वो कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं अगले टूल का प्रयोग, जो है पिक कलर। अब यहाँ पर इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि एक हाथ में और एक पैर में हमारा रंग भरा हुआ है, और इसी रंग को उठा करके आप दूसरे हाथ में और इसी रंग को उठा करके जो नीचे भरा हुआ है दूसरे पाँव में आप डालना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप पेन टूल का प्रयोग करके नीचे से उन रंग को चूज़ करके यहाँ भरें। और अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है कि यहाँ से कौन सा रंग लिया हुआ है, तो फिर आप पिक कलर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ, क्लिक करें, ये रंग हमको चूज़ करना है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और अब इसे आप यहाँ भर दें। देखिए वो कलर सामने आ गया। फिर से इसे चूज करें। अब हमको ये वाला कलर लेना है, इस पर क्लिक करें और आप दूसरी तरफ भर दें। तो जो रंग आप चाह रहे थे बिल्कुल वही रंग उठ करके जहां भी आप भरना चाहते हैं वहां पर आ जाएगा। एमएस पेंट के इस भाग में हमने सीखा इरेजर तथा पेंसिल टूल का उपयोग, ब्रश तथा एयर ब्रश टूल का उपयोग, टेक्स्ट टूल का उपयोग और मैग्नीफायर टूल तथा पिक कलर टूल का उपयोग।